आइसक्रीम खा रहे हैं और ये खा रही गाजर का हलवा। आप सब, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। और आज देखिए, मैं ब्लॉग स्टार्टिंग अभी जो है रात से कर रही हूँ। जी हाँ, अभी रात के 8 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं शादी में। और वैसे जो है मैं शॉर्टकट में तैयार हुई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दूर की शादी है, तो ऐसे ही जाएंगे और दावत खाएंगे और आ जाएंगे। तो चलिए, आप भी चलिए हमारे साथ शादी में। तो दोस्तों, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात हो गई। हमें जाना है शादी में और हम पहुँच गए मेले में, और मेला भी कुछ इसी तरह से सजाया हुआ था, इस तरह से लड़ियाँ लगा रखी थी। और जब हम अंदर पहुँचे तो वहाँ स्टॉलें लगी थी बहुत सारी, तो मेरी बेटी ने कहा, अरे ये तो मेला है, फिर वापस से बैठे और अब आ पहुँचे हम शादी में। तो ऐसे भी हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर अब जो है हम शादी में पहुँचे हैं और अभी जो है 8 बजे का समय है, लेकिन लोग बहुत कम आए हुए हैं। और बारात का तो अभी कुछ अता पता नहीं। बारात तो बहुत देर में आई है, यानी कि 10:30 बजे के करीब जो है बारात आई है। तो चलिए अब शादी को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर हम अभी शादी में बैठे हैं, बहुत कम लोग आए हैं। और मेरे साथ है ये हमारी बुआ सास की बहू, यानी कि मेरे हस्बैंड की जो बुआ हैं उनकी बहू। तो अभी हम यहाँ पर बैठे ही हैं, तो अभी बहुत कम लोग आए हैं, तो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि हमें वीडियो बना, और वो देखो कैसे बना रही है, कितना फ़ोन को हिला रही है। ढंग से नहीं बना पाते हैं बच्चे, अपने आप ही सब कुछ करना होता है। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो शहर की शादी में दोस्तों ऐसा ही होता है, जहाँ पर ये बन टिक्की ऐसे स्टॉल है वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, तो हम भी लाइन में हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे ऐसा होता है शहर की शादी में। भैया इसमें देना जरा। अब एक साथ जो है सभी लोग खाना खाने के लिए जाएंगे तो ऐसे ही तो होगा। तो स्टॉलों पे बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन जो खाने का जो टेबल था वहाँ पर कम ही थी। तो यहाँ पर मैं भी लगी हुई, क्योंकि देखिए अगर आप सीधे बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं तो आपके पास कोई भी नहीं लाएगा। आपको इसी तरह से जाना होता है और अपना जो है नंबर लगाना होता है खाना खाने के लिए या कुछ भी लेने के लिए। तो बड़े मुश्किल से ये मिला है दोस्तों। देखिए शहर की शादी में इस तरह से होता है, और मेरा कॉपीराइट आ सकता है, तो मैं यहाँ पर जरा कम ही बोलूँगी। ठीक है, अब आ रही है, हमने आधा कुछ खा लिया है और ये अब आ रही है। शहर की शादी में तो दोस्तों सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग खाना खाने जाते हैं। गांव की शादी जो होती है उसमें इंजॉय होता है अच्छे से, सभी रीति रिवाज को हम देखते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पर बारात का तो अभी कुछ पता ही नहीं है, और सभी जो है गली मोहल्ले के लोग खाने लग जाते हैं। सब जगह ऐसे ही होता है शहरों में। और जो है साड़ी पहनो, मेकअप करो, ये सब आप जो है सिर्फ जो है वहाँ जाओ और खाने पे टूट पड़ो। तो यही सब होता है शहरों की शादी में। मैं जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ जो है ख़त्म हो रहा है। देखो चाउमीन भी ख़त्म, वो भी ख़त्म। क्या कह रहे हो, क्या क्या डाल रही है? देखो ये क्या खा रहे हैं, दाल। दाल बहुत टेस्टी, मूंग दाल घर में नहीं खा रही। इसका अलग ही स्वाद आता है ना। इसको क्या बोलते हैं, कहाँ की दाल है भैया? ये मूंग दाल है, मुरादाबादी ना, मुरादाबाद दाल है वाली। कलर अच्छा लग रहा है। अब तो मैं यहीं पर हूँ और मैं चाउमीन लेके जाऊंगी। ये देखिए अभी जो है चाउमीन आने वाली है। मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर चाउमीन खत्म, वहाँ गई तो वहाँ पर बन टिक्की खत्म। अब देखो, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता भाई। खर्ची भी नहीं था खर्ची की, कोई बस की बात नहीं है, वहाँ प्लेटों से हो रहा सब कुछ। फाइनली चाउमीन हमारे हाथ में खा खा ले। यही ये हम खा रहे हैं, पाव भाजी। सब
सबको चखना है जितना भी फन रखा है। तो दोस्तों जब शादी में आते हैं ना तो थोड़ा बहुत हमें ऐसी और चीज़ें भी खा लेनी चाहिए, दाल रोटी सब्जी तो हम घर पे भी खाते हैं। तो जो चाउमीन ली थी वो मैंने अपने बेटे के लिए ली थी, लेकिन यहाँ पर मैं जो है पाव भाजी खा रही हूँ और जो है टिक्की खाई थी मैंने, ये चीज़ें खाई थी। दो दो प्लेट नहीं नहीं एक बेटी के लिए है। प्लेट लेके खाना के लिए निकल पड़े हैं लाइन पे लग रहे हैं। आप जो है हम खाना निकालेंगे, बहुत खा लिया कटरन बटरन। तो ये देखिए ये पूरे खाने की लाइन है, तो यहाँ से अभी हम खाना निकालेंगे और खाना खाएंगे। तो चावल निकाल रही क्या? चावल निकाल रही? चावल रहने दो, चावल रात को ठीक नहीं है। तो अब जो है मैंने खाना लिया है, दो पूरी ली है मैंने, पापड़ लिए हैं, पापड़ मुझे बहुत पसंद है, और बस एक दो सब्जी ली है। सब्जी की वैरायटी बहुत सारी थी लेकिन हमें उतना ही लेना चाहिए प्लेट में जितना कि हम खा सके। मैंने बस दो सब्जी लेती हूँ, एक शाही पनीर और एक मिक्स वेज ली थी, और थोड़ा सा छोले लिए थे बस एक दो चम्मच। इतना आइसक्रीम खा रहे हैं, ये खा रही गाजर का हलवा, इसे आइसक्रीम सूट नहीं होती है, ठंड जल्दी लगती है इसे, और हमें जो है आइसक्रीम बहुत अच्छे से सूट होती है। तो आइसक्रीम मैं घर में भी खा लेती हूँ बाजार में जाके, और यहाँ पर भी आइसक्रीम खा रही हूँ मैं, और ये गाजर का हलवा। तो चलिए एंजॉय करते हैं। और अब जो है स्वादिष्ट डिनर के बाद हम खा रहे हैं मीठा। तो मीठे में है दो ऑप्शन, एक है गुलाब जामुन और एक है गाजर का हलवा। और गाजर का हलवा मुझे थोड़ा कम ही पसंद है, लेकिन मैंने गुलाब जामुन लिया है यहाँ पर क्योंकि मुझे गुलाब जामुन पसंद है। और जो है मैंने थोड़ा थोड़ा जो है कुछ चीज़ें खाई हैं, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी, मैंने इतनी सारी चीज़ें नहीं खाई हैं क्योंकि जो हमें पसंद होता है ना हम वही चीज़ खाते हैं, फालतू क्यों लेना है ना। तो सब्जियां भी दाल भी बहुत सारी वैरायटी थी, लेकिन मैंने सिर्फ जो है बस एक दो सब्जी ली थी। तो यहाँ पर अभी जो है बस हम मीठे को एंजॉय कर रहे हैं, कॉफ़ी पीएंगे हम। तो दोस्तों लास्ट में बारी आती है कॉफ़ी की, तो यहाँ पर मैंने कॉफ़ी लिया है और ठंड भी बहुत लग रही है और मैंने स्वेटर नहीं पहनी है भाई, थोड़ा सा फैशन है तो क्या करे, और ठंड लग रही थी बहुत, तो इसलिए जो है मैंने कॉफ़ी ले ली है। और इसके बाद अब हम जाने वाले हैं सीधा घर। तो अभी जो है इतना सारा कुछ हमने इंजॉय किया और अब जो है बज गए हैं 10:30 बजे, और 10:30 बजे के करीब देखिए बारात आ रही है। तो ये बारात आ गई है और गली मोहल्ले के लोग सब घर जा चुके हैं, बहुत कम लोग हैं जो अभी शादी में हैं। और ये थोड़ा सिस्टम मेरे समझ में नहीं आता, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, बारात बाद में आती है और सब लोग घर चले जाते हैं। देखिए बारात में लोग कितना सज धज के आते हैं ना, तो उन्हें कोई गली मोहल्ले वाले कोई देख ही नहीं पाते हैं, और लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम भी कहीं बारात में जाते हैं, हम भी तैयार हो के जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत 2-4 गिने हुए लोग रहते हैं, तो ये सब थोड़ा सा मुझे ना बड़ा अजीब सा लगता है। तो अब यहाँ पर हो रहा है डांस, और ये देखिए जो ये पहाड़ी ढोल दमाऊँ हैं वो यहाँ पर आ रखे हैं, तो इसमें जो है मेरा भी नाचने का मन करा, तो चलिए मैं भी इसमें नाचती हूँ। शहरों में ऐसे ही होता है, बारात जब तक आती है तब तक लोग जो है गली मोहल्ले के सारे
चले जाते हैं। और अभी अभी 12 तारीख है तो अभी इतना टाइम नहीं है कि जो है हम बारात देख सके। खाना पीना हो गया है हमारा तो अभी घर जा रहे हैं। तो चलिए, हमारी गाड़ी भी यहाँ पर है और ये बिल्कुल यहाँ पे शादी हो रही है। अभी 12 तारीख है तो वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो अभी मैं नाची जिस ढोल दमाऊ में, वो हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी जो है, जब शादी होती थी वो तो यही ढोल दमाऊ चलते थे। अब तो जो है बैंड बाजा लोगों का एक से बढ़कर एक हो गया है, तो इसीलिए मैंने भी कर लिया, मुझे अच्छा लगा तो कर लिया। तो चलिए अब घर चलते हैं।